एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिजीत। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एल्प गुडनेस स्विस लव टी ट्री क्लियर स्किन फेशियल किट का रिव्यू। काफी टाइम पहले मैंने इसको बाय किया था पर्पस से, बट टाइम नहीं मिल रहा था तो ऑलरेडी यूज कर लिया। मेरा ओपिनियन क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट में मैंने सारा बताया आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं। सो ये ऐसे पाउचेज में आएगा, ये 3 पाउचेज होते हैं, एक में ऐसे 5 होंगे, यहाँ पर मेंशन किया होगा 1, 2, 3, 4, 5। और आपको इसको जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पहले कौन सा यूज करना है, यहाँ पर मेंशन इन्होंने किया हुआ है। सो फर्स्ट है क्लींजर, मेंशन किया हुआ है। सेकंड इज स्क्रब, थर्ड इज टोनर, फोर इज क्रीम एंड फिफ्थ इज पील ऑफ मास्क। सारा कुछ ऊपर मेंशन किया हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो अभी मैं यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है टी ट्री हेल्प ट्रीट एक्ने, लेमन ग्रास एड्स इन ब्राइटनिंग स्किन, रोज हेल्प टोन द स्किन, सुटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप। और इसका नेट वेट है 36 ग्राम इंटू 3, तो आप इसको 3 टाइम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके बैक साइड पे मेंशन किया हुआ है हाउ टू यूज, सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है और की इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है। एंड देन बेस्ट बिफोर 36 मंथ्स मेंशन है और एमआरपी है 370, बट ऑल ये हमेशा डिस्काउंट पे मिलता है। तो बट वेट, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें सो दैट आपको पता चल सके आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं, ये वर्थ ही है या नहीं। बिकॉज जब मैंने इसको बाय किया था मेरा ओपिनियन कुछ और था, और जब मैंने इसको यूज कर लिया तो ओपिनियन कुछ और था। सो इसलिए आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने लिप्स पे कोई भी लिपस्टिक नहीं अप्लाई की हुई, ये एक लिप बाम है। मैं इसको थोड़ा टाइम से यूज कर रही हूँ, इसका मैं रिव्यू शेयर करूंगी जल्दी, थोड़ा टाइम उसको और यूज कर लूं। तो अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कलर भी दे देता, देखो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई लिपस्टिक अप्लाई की है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जल्दी वीडियो आएगी तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। फर्स्ट मैं अप्लाई करने लगी हूँ क्लींजर। इसकी जो स्मेल थी बहुत ज्यादा वियर्ड थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और इसकी जो कंसिस्टेंसी वो पूरी गम की तरह थी। तो जब मैंने इसको ओपन किया, निकाल रही थी, तो मैं सोच रही थी कि इसको अप्लाई करूँ भी या नहीं करूँ, इतना ज़्यादा मतलब वियर्ड लग रहा था। तो फिर मैंने इसको अप्लाई कर लिया, बट मैंने एक मिनट ही मसाज किया, वो भी बहुत मुश्किल से, एज मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने गम को फेस पे लगा लिया। तो फिर मैंने फेस वॉश कर लिया, जब मैंने फेस वॉश किया तो जैसे ये स्किन पे थोड़ा चिपक गया था, तो देन मैंने अच्छे से वॉश किया तो निकल गया। देन फिर मैंने स्क्रब को ओपन किया, स्क्रब की कंसिस्टेंसी ठीक थी, स्क्रब की तरह ही थी। तो इसको मैंने अप्लाई किया सर्कुलर मोशन में, 2 to 3 मिनट्स के लिए मसाज किया। जब भी मैं जैसे फेस पे नेक पे अप्लाई करती हूँ, साथ ही मैं हैंड्स पे भी कर लेती, आप भी ऐसे किया करो, हैंड जो है वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो फिर सर्कुलर मोशन में मैंने मसाज किया, देन मैंने सिंपल पानी के साथ वॉश कर लिया। आफ्टर स्क्रबिंग जो फेस है वो थोड़ा फ्रेश दिखने लगा था, तो स्क्रब मुझे अच्छा लगा। फिर टर्न थी टोनर की। टोनर वैसे नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होता है, बट ये जेल फॉर्म में था, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो बहुत ज़्यादा वियर्ड थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसको इन्होंने बोला है मसाज करना है, तो मैंने जस्ट 1/2 और 1 मिनट ही मसाज की होगी, बिकॉज इसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी मैं। बट फिर जैसे तैसे मैंने इसको मसाज कर लिया थोड़ी देर के लिए, देन फिर मैंने कॉटन के साथ इसको रिमूव कर लिया। नेक्स्ट अब अप्लाई करूँगी 4th नंबर, जो कि है क्रीम। क्रीम की फ्रेग्रेंस ठीक थी, इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक थी, सो इसको अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसको मैंने सर्कुलर मोशन में 3 to 4 मिनट्स के लिए मसाज किया। जब भी आपने मसाज करना है साथ में नेक और हैंड्स पे भी करना है। तो इसकी जो ओवरऑल रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, क्रीम का स्किन फ्रेश लग रही थी, अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट टर्न इज ऑफ पील ऑफ मास्क। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जब मैंने पहले इसको यूज़ किया तो उसकी जो कंसिस्टेंसी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, गम की तरह थी, लग ही नहीं रही थी। फिर मैंने सेकंड पैकेजिंग ओपन की तो उसकी कंसिस्टेंसी ठीक थी, अभी आप देख सकते हो आराम से लग रहा है। बट इसकी जो स्मेल थी बहुत ज़्यादा वियर्ड थी, इतनी स्ट्रांग थी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बट मुझे इसे रिव्यू करना था तो मैंने इसको जैसे तैसे लगा लिया पूरे फेस पे,
बट आफ्टर अप्लाइंग दिस पील ऑफ मास्क मुझे एकदम अपने चीक्स पे इचिनेस फील होने लगी, इतनी ज़्यादा मुझे फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा दोनों चीक्स पे। तो गाइज मैंने फेस वॉश कर लिया और ये इतना ज़्यादा स्किन पे लग रहा था जैसे स्किन बर्न हो रही थी यहाँ से और यहाँ से, बट कुछ भी रेडनेस नहीं हुई क्योंकि मैंने एकदम से उतार लिया था। आप इसे बाय करने की सोच रहे हो तो प्लीज इसको बिल्कुल भी बाय मत करना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट ये जो पील ऑफ मास्क था इसको मैंने पहले ओपन किया, अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है, निकल ही नहीं रहा था। तो जब मैंने इसको पहले ओपन किया था एकदम चिपका हुआ था, जैसे कि गम होती है सेम ऐसे ही था। तो फिर मैंने उसको मतलब फेंक दिया था। तो फिर मैंने नेक्स्ट दूसरे को ओपन किया तो वो तो ठीक थी उसकी कंसिस्टेंसी, बट जैसे मैंने स्किन पे लगाया यहाँ से और यहाँ से बर्न होना शुरू हो गया और इतना ज्यादा लग रहा था स्किन पे, बिग नो, बिल्कुल भी इसको बाय मत करना। सो इसमें मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या पसंद आया। इसमें सिर्फ ऐसी दो ही चीजें थी जो मुझे पसंद आई। ओके टर्न वाइज स्टार्ट करती हूँ। नंबर वन था क्लींजर। ये भी इसकी जो फ्रेग्रेंस था इतनी गद्दी स्मेल थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मुझे इसका कुछ भी नहीं लगा कि इसने जैसे फेस को क्लीन किया है या फिर कुछ भी, एज मैंने फेस वॉश तो किया ही था बट मुझे बिल्कुल भी इसका कोई रिजल्ट नहीं लगा। तो नंबर वन जो था वो भी बिग नो। ओके नंबर टू है वो है स्क्रब, और जो स्क्रब है उसका मुझे रिजल्ट लगा। हाँ स्क्रब ठीक था, स्क्रब अच्छा था, ये ठीक था। बाकी थर्ड नंबर पे टोनर, ये भी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, इसकी जो स्मेल बहुत ज्यादा वियर्ड थी और इसको लगाकर दो तीन मिनट मसाज करके उतार देना था। तो जैसे कि टोनर सिंपल स्किन में हम लगा लेते हैं तो ये वैसा वाला टोनर नहीं था, बट मुझे ये भी कुछ नहीं पसंद आया। जो क्रीम है इसकी फोर नंबर, ये भी ठीक थी। क्रीम जैसे मैंने मसाज किया स्किन पे एक जैसे ग्लो आ जाता है ना थोड़ा बहुत, वो आ गया था इसके साथ नंबर फोर के साथ। और जो नंबर फाइव है ये तो सबसे ज्यादा बेकार था, सबसे ज्यादा बेकार नंबर फाइव था। इसमें से सिर्फ मुझे दो अच्छे लगे, एक था स्क्रब और एक था क्रीम। क्यों, जैसे कि ये फाइव का पैक है इसमें से दो ही अच्छे हैं तो क्या फायदा इसे लेने का। अगर आप इसे बाय करने की सोचे तो बिल्कुल भी इसको बाय मत करना। जैसे कि इसका जो प्राइस है कितना था 370, वैसे आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा बट मेरे अकॉर्डिंग इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। 370 में को और भी अच्छे काफी स्क्रब होते हैं जो कि अंडर 200 भी होते हैं। तो ऐसे मैं स्क्रब आपके साथ शेयर करूंगी, आप कमेंट डाउन करना। इसको तो बिल्कुल भी बाय मत करना। अभी भी यहाँ पर ना जैसे गम की तरह चिपका हुआ है, अच्छे से मैंने फेस वॉश किया बट फिर भी है इसका रेजिड्यू। मैं फिर से अब इस फेस वॉश करती हूँ। बिल्कुल भी बाय मत करना, जस्ट इसमें स्क्रब और क्रीम ही अच्छी है, बाकी तो बेकार ही है सारे। तो अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी बाय मत करना इसको। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।